देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन सिका स्कूल सांगी कॉलोनी के तत्वाधान में सिका मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग द्वारा संचालित मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग के अंतर्गत शनिवार को दीक्षांत समारोह आयोजित किया, जिसमें सिका मॉन्टेसरी की प्रथम बैच को सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से किया। प्रेसिडेंट श्री पी बाबूजी, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सुरेश अय्यर, सेक्रेटरी श्रीमती राजेश्वरी अश्विन कुमार, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ विजय लक्ष्मी अयंगर, ट्रेजरर ट्रस्टी कार्तिक शास्त्री, ट्रस्टीज एस एम अय्यर एंड डॉक्टर श्रीधर, मेंबर्स ऑफ सिका एसोसिएशन एंड स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की उपस्थिति में कार्यक्रम शुरू हुआ। श्रीमती नीति कमानी द्वारा मुख्य अतिथि पूनम सैनी एवं विशेष अतिथि डॉक्टर आदि शंकर पेरुमन का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह उन्हें सम्मानित किया। सभा का परिचय श्रीमती राजेश्वरी अश्विन कुमार, सेक्रेटरी सिका एसोसिएशन, श्रीमती आर कलावती हेड मिस्ट्रेस सिका प्राइमरी एंड श्रीमती स्वाति जैन हेड मिस्ट्रेस सिका प्री प्राइमरी द्वारा दिया गया। इस दौरान सभी प्रतिभागियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति दी। अतिथि द्वारा मॉन्टेसरी छात्राओं को उपाधि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ विजय लक्ष्मी अय्यंगर को सिका एसोसिएशन द्वारा फेलिसाइटेड किया गया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा, कड़ी मेहनत और समर्पण से सीखना सतत प्रक्रिया है, इसके द्वारा कठिन मंजिल को भी पाया जा सकता है। आयोजन के अंत में श्रीमती पल्लवी उपाध्याय द्वारा सभी का आभार प्रकट किया। बता दें, सिका स्कूल सांगी कॉलोनी के जुबली ईयर्स के अंतर्गत अनेक आयोजन संपन्न हो रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन जिसने टाइम एंड टाइम अगेन अपना हमेशा बताया कि एजुकेशन वर्ल्ड में दे आर द बेस्ट, सो ऐसे स्कूल में आना इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। और एक इनका एक ऐसा इनिशिएटिव जहाँ जो जिसकी बहुत ज़रूरत है इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्र में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जिसको आप मॉन्टेसरी टीचर्स भी बोलते हैं, उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग के साथ अभी तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो कि प्रोवाइड कर पाता। सो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इससे सिर्फ सीखा ही नहीं, बहुत सारे और स्कूल्स को भी अच्छे वेल ट्रेन टीचर्स मिलेंगे, तो हमारे बच्चे का हर स्कूल में जो बच्चों के भविष्य के बारे में हम हमेशा प्रिपरेशन करते हैं, उन्हें तैयारी कराते हैं, तो वो बहुत अच्छे से किया जाएगा। और क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे के करियर में सबसे इम्पॉर्टेंट वो पहला स्टेप है जिसके लिए बहुत अच्छे मेंटर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। सो उस इनिशिएटिव के लिए मेरी शुभकामनाएं सिका एजुकेशन ग्रुप को और धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बनने के लिए। 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हाँ जी, लगातार कार्यक्रम का दौर जारी है, क्या कहना चाहेंगे? 50 वर्ष पूरे होने को मैं ऐसे देखती हूँ कि 50 सालों का एक्सपीरियंस और अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग चलना जितना कि जब शुरू से अभी तक पहुँचे हैं। सो ये बहुत एक कमेंडेबल जर्नी है, बहुत ही सफल यात्रा है और आप देख सकते हैं हज़ारों और मे बी विद 50 साल हैं तो लाखों बच्चे यहाँ से निकल के गए, अपना भविष्य बनाए हुए हैं। और अभी मैंने चेयरमैन सर से बात करते हुए पता चला अपनी एलुमिनी मीट के लिए वो आ भी रहे हैं। तो आप देखिए कि इट्स अ कंप्लीट वर्ल्ड टू विच सिका हैज़ क्रिएटेड। और इनकी एलुमिनी की मुझे अच्छे से जानकारी है, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो इस बात के लिए भी सिका को बहुत बहुत, पूरे एजुकेशन ग्रुप को बहुत शुभकामनाएं। और हम तो यही चाहेंगे कि उनका ये इनिशिएटिव और इस तरह से वो हमेशा ही बने रहें और आगे बढ़ते रहें, और ना ही इंदौर बल्कि सारे भारत के बच्चों को उनकी मार्गदर्शन मिले, उनके स्कूल्स में पढ़ने का मौका मिले, क्योंकि ये समझते हैं एजुकेशन का सही मीनिंग। और बच्चे जो इनका रिफ्लेक्शन है, जो बाहर आए हैं, जिनसे हम मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि सिका एजुकेशन की फाउंडेशन से निकलने से कितने स्ट्रॉन्ग हैं। थैंक यू। आई एम वेरी प्राउड टू कनेक्ट टू द पीपल टुडे।
and are the chairman of the Mauritius Tamil Cultural Center, who is under the government of Mauritius. So it is real proud today to come and meet these people, and I wanted to share, and we wanted to know what they are doing in this part of India, and I wanted to share what we in Mauritius we are doing. So this is a first meeting, and I want this to continue so that we can share in future and we can build a bridge for the new generation to come. And I would like to congratulate all the members. They are very enthusiastic, and the warm welcome they has given us. I'm very grateful to all of you, to the chairman, the president, the patron, the vice president, and all the members who has come here today. I'm very happy, and we've lots of happiness today. I just want to convey all my vanakkam, my salutation from the Mauritius population to all these people here today. So you also joined Pravasi Bharatiya Sammelan organized by government. What do you say about this? We wanted to connect to the source. We have been brought to Mauritius, our grandparents, in 1727. We have been staying there. I am the third generation. So we wanted to connect with all the diaspora, and we wanted to know what they are doing so that this diaspora can contribute, collaborate, and work together as one moment. मैं मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग का एक वर्ष पूर्ण हो चुका है, साथ ही सिल्वर जुबली ईयर भी बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? यस यस, हमारे साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन, इसका सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट का 50th ईयर है, 50 ईयर्स का गोल्डन जुबली ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग, एंड सिक्का मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लास्ट ईयर हमने चालू किया था. The first batch of students, 30 students, they are taking the graduation certificates today. They are passing out, and around 75% to 85%, they already got the job in various schools in Indore. And we are also absorbing, Sikha school also is absorbing these teachers. आज का जो प्रोग्राम है, गेस्ट के रूप में कौन यहाँ पर उपस्थित होगा? हमारा चीफ गेस्ट के डॉक्टर पूनम साइनी. She's a renowned teacher, and from Mauritius we have a special guest, Dr. Adi Sangra Periman. He has just reached here. In another 1 hour he'll be with us. Here we started our Sikha Montessori Teachers Training Institute, and this year we are successfully finished our first year. Today we are felicitating our first batch of students, and we have received 27 new enrollments for the next batch also. Like, we have so many Sikha schools, this Montessori Institute will also go to reach good heights. Thank you.